सही बुखारी की जिन हदीस का दर्स आप हजरात के सामने पेश किया गया उनका ताल्लुक़ किताबुल ईमान से था किताबुल ईमान से कुछ मुंतखब अहदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ले करके और उनके मानी और मफाहीम आप हजरात के सामने पेश किए गए अब इसके बाद जो अगली किताब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने अपनी किताब में दर्ज की है वो किताबुल इल्म है और इस किताब में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने ये बताया है कि इल्म की अहमियत क्या है इल्म की फ़गीलत क्या है दीन इस्लाम में इल्म का मकाम मरतबा क्या है इसी तरह से इल्म हासिल करने का तरीक़ा क्या होता है एक तालब इल्म के क्या आदाब होने चाहिए एक मम के क्या आदाब होने चाहिए तालीम का तरीक़ा क्या होना चाहिए और इसके अलावा और बहुत से मसाइल जिनका तल्ल इलम से है इमाम बुखारी रहमल्ला ने इस किताब के अंदर नबी सल्लल्लाहु वसल्लम की मुख्तलिफ अहदीत ज़िक्र करके इन मसाइल को वादे किया है सबसे पहले इमाम बुखारी रहा ने कुरान मजीद की दो आयात जिक्र करके इल्म की अहमियत और फदीलत को वाजे किया है अल्लाह ताला का इरशाद है यरफ अल्लाह लदीन आमनु मिनकुम वदीन इल्म दरजात अल्लाह सुबहन तआला उन लोगों के जो ईमान लाए और वो लोग जो अहल इल्म हैं जिन्हें इल्म से नवाजा गया है इनके दर्जात को बुलंद फरमाता है इसी तरह से दूसरी आयत ज़िक्र की है अल्लाह सुबहाना तैाल का इरशाद है वुर्रब ज़िदन इलमा और ए नबी सब अल्लाह सुबहाना तै से दुआ कीजिए मांगिए कि है अल्लाह अ मेरे परवरदिगार तो मेरे इल्म के अंदर इजाफा फरमा ये दोनों कुरान मजीद की आयात हैं जिनसे इल्म की अहमियत और इल्म की फजीलत मालूम होती है पहली आयत में अल्लाह सुबहान इरशाद फरमाया है कि अल्लाह ताला अहले ईमान के मरातब बुलंद करता है जो साहिब इल्म हैं, जिन्हें इल्म से नमाज़ा गया है उनके मरतबे अल्लाह सुबहाना ताल बुलंद करता है मालूम हुआ कि इल्म ये इंसान के दर्जात के इंसान के मकाम और मर्तबे की बुलंदी का बायद और सबब हुआ करता है इसी तरह से अल्लाह सुबहान ने अपने नबी सल्लल्लाहु सलील वसम को जिस चीज़ में इदाफे की दुआ सिखलाई है कि आप उसमें इजाफे के लिए ज़्यादी के लिए दुआ करें वो कोई और चीज़ नहीं बल्कि वो इल्म है और अल्लाह ताला ने खुद सिखाया अपने प्यारे नबी वसल्लम को और आप अलैहि वसल्लम के तवसुत से पूरी उम्मत को कि अल्लाह से आप दुआ कीजिए वक़ुरब ज़िद्न इलमा अल्लाह तो मेरे इल्म के अंदर इदाफ़ा फ़रमा इसी तरह प्यारे नबी सल्ला वसलम ने इशात फरमाया है तलबल फ़री रतकुल्लमसलम इलम का तलब करना इल्म का हासिल करना हर मुसलमान पर फर्द है मुसलमान चाहे वो मर्द हो चाहे मुसलमान वो औरत हो हर एक के लिए इम का हासिल करना फ़र्द और लाजिम और ज़रूरी है लिहाजा हर मुस्लिम के पास इतना इल्म होना चाहिए जिससे वो अपनी इबादत अंजाम दे सके सलाद एक इस्लाम का फरीदा है लजा हर मुसलमान को सलाद की अदायगी का क्या तरीक़ा होता है वो मालूम होना चाहिए इसी तरह से सोम रखना रोजे रखना इस्लाम का एक फरीदा है सोम के क्या आदाब होते हैं सोम कब से कब तक रखना है और सोम के रखते हुए कौन से अमूर हैं जिन्हें हमसे बचना है इसका मालूम होना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है इसी तरह से अगर कोई शख़्स साहब निसाब हो चुका है उसे अपने माल में से कितनी ज़कवात निकालनी है इसे इसका मालूम होना उसके लिए ज़रूरी है ताकि उसके मुताबिक वो अपने माल के में से ज़कवा़त निकाल सके इसी तरह से शरीयत के और जो दीगर उमूर हैं इंसान के वाजिबात हैं इंसान के पास इतना इल्म होना ज़रूरी है ताकि वो अपने फ़राइज़ और वाजिबात को सही ढंग से अदा कर सके तो फरमाया नबी अलैहि वसल्लम ने कि तलबुल अला फ़रीदत मुस्लिम हर मुसलमान बिला तफरी कि वो मर्द है या औरत है इल्म का तलब करना और हासिल करना ज़रूरी है अल्लाह सुबहान ने जो सबसे पहली वही नबी सल्लल्लाहु सल्लाम पर नाजिल फरमाई उस वही का ताल्लुक किसी और चीज़ से नहीं बल्कि उसका ताल्लुक पढ़ने से था और अल्लाह ने फरमायाल्ला सुबह तबिसमिकलक नबी वसल्लम आप पढ़िए अपने उस रब के नाम से जिस रब ने कि तुम्हें पैदा किया है तो अल्लाह सुबहान तआला ने सबसे पहला जो हकम दिया है वो पढ़ने के दिया है तो इस्लाम के अंदर शुरू ही से रोज़ अव्वल इल्म की पढ़ने की लिखने की अहमियत बहुत ज़्यादा रही है और इसी वजह से इस्लाम के दुनिया में आने के बाद एक अदीम इनकलाब पैदा हुआ इम की दुनिया में इनकलाब पैदा हुआ अगर इस्लाम से आप पहले जाएंगे आप तो कुछ दिनों पहले अगर आप देखेंगे एक सदी पहले आप देखेंगे कि वो किताबें मौजूद नहीं थीं जो इस्लाम के आने के बाद और इतनी ज़्यादा इलमी किताबें इतनी किताबें तसनीफ़ कहीं जो इस्लाम से पहले जितनी किताबें मौजूद थी जो तालीफात मौजूद थी दोनों के दरमियान कोई सिरे से मुजना नहीं हो सकता है तो इस्लाम कि ने जो तालीम पर इस्लाम ने जो इलम पर जोर दिया उसके नतीजे में पूरी दुनिया के अंदर एक एककलाब पैदा हुआ तो इमाम बुखारी रहा ने अपनी इस किताब के अंदर किताबुल के नाम से मुकम्मल एक किताब क़ायम की है और उसके अंदर प्यारे नबी सल्हलम के अदीत की रोशनी में इलम के आदाब सिखाए हैं आइए हम और आप देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीम का तरीक़ा क्या था और किस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब कराम को तालीम दिया करते थे सबसे पहले किताबुल से जो हदीस आपके सामने पेश की जा रही है जो सई बुखारी की हदीस नंबर बासठ है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह इस हदीत को इस सनत के साथ जिक्र करते हैं हदसना खालिदुबन मखलत قال حدثنا سليمان قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان من الشجر شجره لا يسقط ورقها وانها مثل المسلم حدثوني ما هي؟ قال فوقع الناس في شجر البوادي قال فوقع في نفسي انها النخله ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله قال هي النخلة. इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने सनत के साथ यहदीस यह ज़र की है बारह हर हदीस के पहले सनत आती है जिसका मफहूम यह होता है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तक यह हदीस किन किन वास्तों से पहुंची है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हदीस को सहाबी ने लिया सहाबी से ताबई ने यहाँ तक कि होते होते यह हदीस इमाम बुखारी रहा तक आई और उन्होंने अपनी किताब में उस पूरी सनद और हवाले के साथ इस हदीस को ज़िक्र किया है फरमाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इन अश शजर शजरतन दरख्तों में से एक दरख्त ऐसा है ला स्कोरकआ जिसका कभी कोई पत्ता नहीं गिरता है व अनह मुस्लिम और ये दरख्त एक मुसलमान की मिसाल है हद्दिसूनी माहिया आप लोग बताइए कि आखिर ये दरख्त कौन सा है साहब रसूल फरमाते हैं फवक अन्नासुफ़ी शजरलबवादी लोगों का जहन व दिमाग जो बाद के दरख्त हुआ करते हैं सहराई दरख्त हुआ करते हैं उधर गया कोई किसी दरख्त का नाम ले रहा है कोई किसी दरख्त का नाम ले रहा है जिसने कोई ख़ास दरख्त सहरा के अंदर देखा था उसका नाम बता रहा है कि हो सकता है यही दरख्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराद हो क़ाल साहबी कहते हैं फवकाफ़ी नफसी अन्ना नखला मेरे दिल में ख्याल आया हो ना हो ये दरख्त कोई और नहीं बल्कि ये खजूर का दरख्त हो तो मैंने सोचा कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बताऊं कि अल्लाह के रसूल ये खजूर का दरख्त है जब लोगों ने मुख्तलिफ मुख्तलिफ़ात दिए और लोगों के जवाब सही नहीं हुए तो लोगों ने कहा खालु हद्द नामा या रसूल अल्लाह अय नबी सल्ला वम्म अब आप भी बताइए कि ये दरख्त कौन सा है फरमाया नबी सल्लम ने यह नखला ये खजूर का दरख्त है ये इस हदीस का तर्जा हुआ अब आइए और आप देखें कि इस हदीस के अंदर नबी सल्ला वसम ने क्या तलीम हमें और आपको दी है फरमाए नबी सल्ह वसम ने किन् मिना शजर शजरता लाइस को तो रक हुआ दरख्तों में से एक दरख्त ऐसा है जिसका कोई पत्ता नहीं गिरता है और ये मोमिन की मिसाल है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिन की मिसाल एक दरख्त से दी है और आगे चल कर के फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ये दरख्त खजूर का दरख्त है अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मोमिन की मिसाल खजूर के दरख से दी है तो आखिर एक मोमिन और एक खजूर के दरख्त में क्या एकत पाई जाती है जिसकी वजह से नबी अलैहि वसल्लम ने एक मोमिन की मिसाल खजूर के दरख़्त से दी है सबसे पहली बात जो यहाँ पर फरमाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर के दरख्त में ये बात होती है कि खजूर के दरख्त का कोई पत्ता कभी गिरता नहीं है सूख जाएगा लेकिन उसके अंदर लगा रहेगा खजूर के दरख्त का कोई पत्ता गिरता, गिरता नहीं है कोई काट करके गिरा दे तो गिर जाएगा लेकिन अद खुद खजूर का कोई पत्ता नहीं गिरता है चाहे आधियाँ आए तूफान आए कुछ भी आए लेकिन कोई उसका पत्ता नहीं गिरता है तो मोमिन और खजूर के दरख्त दोनों में शबाहत ये है कि इस तरह से खजूर के दरख्त का कोई पत्ता नहीं गिरता है खजूर का दरख्त हर तरह के तूफान के अंदर मजबूती के साथ इस्तकामत के साथ खड़ा रहता है इसी तरह से एक मोमिन होता है कि मोमिन के यहाँ कदमी पाई जाती है इस्तकामत पाई जाती है जितने भी तूफान आए आधियाँ आए दीन के खिलाफ इस्लाम के खिलाफ लेकिन एक मोमिन हर तरह के फितने का मुकाबला करता है और कभी भी मोमिन कभी अपने दीन से मुनहरफ नहीं होता है मोमिन अपने दीन को तर्क नहीं करता मोमिन अपने ईमान का सौदा नहीं किया करता है तो जिस तरह से खजूर के दरख्त के अंदर साबित कदमी हुआ करती है आतियाँ उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती हैं इसी तरह से एक मोमिन होता है जितने भी फितने आए किसी तरह के भी अगर इंसान वाकई मानों में मुस्लिम है मोमिन है तो ये फ़ितने और ये उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती हैं इसी तरह से मज़ीद हम गौर करें अगर कि एक मुस्लिम और एक खजूर के दरख्त में क्या एक सानियत होती है और जब हम दीगर और अदीत का मताल करते हैं तो खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदीत से हमें मालूम होता है कि एक मोमिन और खजूर के दरख्त में क्या मुशाबहत हुआ करती है चुनान एक हदीत के अंदर नबी सल्ला वम ने फरमाया नख़ल ला तस लहा उन्मोला वला तस्को तो लेन दावा फरमाया नबी सल्लाम ने कि ये दरख्त कोई और दरख्त नहीं बल्कि खजूर का दरख्त है इस खजूर के दरख्त का कोई पोर कोई पत्ता नहीं गिरता है इसी तरह से मोमिन की कोई दुआ साकित नहीं होती मोमिन की कोई दुआ रायगा नहीं होती तो एक मोमिन और एक खजूर के दरख्त दोनों में मुशाबत यह है जिस तरह खजूर का कोई पत्ता नहीं गिरता है इसी तरह से मोमिन की कोई दुआ साकित नहीं होती मोमिन की कोई दुआ गिरती नहीं है कि मोमिन कोई दुआ करे और उसकी दुआ कबूल ना हो अब आप सोच सकते हैं कि हम बहुत सी दुआएं करते हैं लेकिन हमारी दुआएं मकबूल नहीं होती हैं और अल्लाह सुबहान तआला से जो हम अपनी दुआओं में मांगते हैं वो चीज़ें हम हमें नहीं मिला करती हैं इस बात को आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस से आप समझ सकते हैं जिसकी रवायत अबू सैदरी रजने की है नबी सल्लाते है हैं मा मुस्लिमी यदौ। लैस मिन वला जब कोई मुसलमान कोई दुआ करता है बशरत की उस दुआ का ताल्लुक किसी गुनाह से ना हो और अरहम से ना हो रिश्तों को काटने से ना हो इन दोनों की दुआ ना हो इन दोनों की दुआ अगर है कि आदमी अगर गुनाह करने की दुआ कर रहा है क़त अरहम की दुआ कर रहा है तो उसका मसला अपना दूसरा है लेकिन अगर इन दो चीज़ों से उसका ताल्लुक नहीं है और कोई मुसलमान अल्लाह सुबहान दुआ करता है इल्ला अल्लाहदलास अल्लाह तआला अपने बंदे को तीन में से कोई एक चीज़ ज़रूर अता फ़रमाता है जो भी हम दुआएं करते हैं हमारे उन दुआओं के सिले में अल्लाह तआला तीन चीज़ों में से कोई एक चीज़ हमें ज़रूर अता फ़रमाता है फ़रमाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इम्मा सल्ला व्म नेतू या तो अल्लाह उसकी दुआ को दुनिया ही के अंदर कबूल कर लेता है जो हमने तो की अल्लाह तआला हमारी और आपकी की वही दुआ कबूल कर लेता है और जो हमने मांगा दुनिया में अल्लाह वो हमें अता कर देता है व इमातरालू फिल आखिरा आखिर यह अल्ला हमारी इस दुआ को आख़रत के लिए ज़ख़ीरा बना करके रख लेता है वो दुआएं जो हमारी दुनिया के अंदर कबूल नहीं होती हैं उन दुआओं का सिला अल्लाह आसमान वाल आख़रत के अंदर देगा और उसका इतना ज़्यादा उन दुआओं का सिला होगा कि अगर दुनिया में इंसान की दुआ कबूल हो गई तो बहुत ही हकीर चीज दुनिया में इंसान को मिली है वहाँ इतना ज़्यादा सिला इंसान को मिलेगा कि इंसान की तमन्ना होती दुनिया में हमारी दुआ कबूल ना होती और उन दुआओं का सिला हमें यहाँ पर मिलता तो हमारे हक़ में ज़्यादा बेहतर होता है तो बास दुआएँ तआला बंदे किस तरह कबूल करता है तीसरे फरमाए नबी वसल्लम ने व इमां यदफ़ा व तआला उसकी दुआ के नतीजे में उस पर कोई आफत आने वाली थी उस शख्स पर कोई मुसीबत आने वाली थी उसकी दुआ के नतीजे में अल्लाह ताला ने वो मुसीबत बंदे से दूर कर दी तो बास दुआएं होती हैं हमें और आपको लगता है कि हमारी ये दुआ कबूल नहीं हुई लेकिन ऐसा नहीं होता है बल्कि अल्लाह तआला हमारी हर दुआ को कबूल करता है दुआओं के कबूल करने का तरीक़ा अलग होता है कभी अल्लाह तआला हमने जो मांगा वही दे देता है कभी अल्लाह तआला वो नहीं देता है लेकिन एक मुसीबत जो हमारे ऊपर आने वाली थी हमें उसका इल्म नहीं था हमारी इस दुआ के नतीजे में अल्लाह सुबानू ने वो मुसीबत हमारे लिए दूर कर दी जो शायद हमारी इस दुआ जिसकी हमने की थी उससे ज़्यादा हमारे लिए परेशान कुन होती और अल्लाह ताला ने वो मुसीबत हमसे टाल दी और अगर ये भी नहीं होता है तो अल्लाह सबान तमारे दुआओं को जख़ीरा करके रख लेता है और क़्यामत के दिन अल्लाह सबानी हमारी इन दुआओं का सिला फ़रमाएगा यह हदीस इमाम बखारी रहा ने अपनी दूसरी किताब अल अदबुल अदबुलमुफरत के अंदर दिक्र की है तो मोमिन और खजूर का दरख्त इन दोनों के अंदर एक जो ममाफलत और मशाबहत यह है कि इस तरह खजूर के दरख्त का कोई पत्ता नहीं गिरता है इसी तरह से एक मोमिन की एक मुस्लिम की कोई भी दुआ रायगा नहीं जाती है इसी तरह से एक और हदीस के अंदर जो सही बखारी ही के अंदर मौजूद है उस हदीस में अल्फाज हैं इन निन शजरी शजरतन लमा बरकत हु मुस्लिम। दरख्तों में से एक दरख्त ऐसा है फरमाए नबी वसल्लम ने दरख्तों में से एक दरख्त ऐसा है कि जिसकी बरकत उसी तरह से होती है जिस तरह से एक मुस्लिम बाबरकत होता है तो खजूर का दरख्त एक ये बाबरकत दरख्त होता है और ये इंसान के लिए फ़ायदेमंद दरख्त होता है फ़रमाएल्ला ने कि अल्लाह सुबहान तला के हकम से हमेशा इंसान के लिए फल का इंतज़ाम करता है इंसान की खुराक का इंतज़ाम करता है इंसान के लिए गिदा मुहैया करता है तो जिस तरह से खजूर का दरख्त होता है ये मुबारक होता है बरकत का सबब होता है खैर का सबब होता है इंसानों के लिए ऐसे एक मुसलमान हमेशा खैर का सबब होता है इंसान अपने लिए खैर का सबब होता है जो उसके ऐसा वक्रबा हैं अहलयाल हैं उनके लिए खैर का सबब होता है इंसान एक मुसलमान अपने माशरे के लिए खैर का सबब होता है इंसान अपने वतन के लिए खैर का सबब होता है तो फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से खजूर का दरख्त एक बरकत का सबब होता है खैर का सबब होता है ऐसे एक मुसलमान भी अपनी ज़िंदगी के अंदर भी और मरने के बाद भी खैर और बरकत का सबब होता है क्योंकि दुनिया के अंदर वो खैर फैलाता है इल्म को फैलाता है इल्म को दूसरों तक पहुँचाता है इसी तरह से मरने के बाद भी दुनिया में जो उसने काम किए हैं जो इल्म फैलाया है इल्म को नशर किया है इसी तरह से दीन को फैलाने लोगों तक दीन की बातें पहुंचाने के लिए जो उसने कार्य खैर किए थे वो उसके बाद भी दुनिया के अंदर मौजूद रहते हैं तो एक मुस्लिम और एक मोमिन ये खैर होता है अपनी ज़िंदगी के अंदर भी अपने मरने के बाद भी ये अहले इल्म थे जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदीत को मेहनत मशक्क़त करके और जमा किया और जिन किताबों की वजह से आज भी हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और आपके अकवाल आपके अफ़ाल को अपनी निगाहों से देखते हैं पढ़ते हैं उनकी रोशनी में अपनी ज़िंदगी की अपनी ज़िंदगी सुधारते हैं तो ये वो लोग थे जिनका वजूद उस ज़माने में भी बाबरकत था और आज भी दुनिया से उनके चले जाने के बाद वो बाबरकत हैं ख़ैर का सबब है दुनिया उनके काम से उनके अमल से उनकी मेहनतों से आज भी फ़ायदा उठा रही है इसी तरह से खजूर का दरख्त और मुस्लिम दोनों में जो एक सानियत होती है वो एक और हदीस से हमें मालूम होती है फरमाए नबी अलैहि वसल्लम ने एक मोमिन की मिसाल एक खजूर के दरख्त यह है कि खजूर के दरख्त का जो भी हिस्सा हो हर एक आपके लिए नफा बख्श होता है खजूर के दरख्त का फल भी आपके लिए नफा बख्श होता है फल कच्चा हो वो भी इस्तेमाल किया जाता है Osionfish. पक जाए वो भी इस्तेमाल किया जाता है इसी तरह से अगर वो दरख्त में पड़ा रहे सूख जाए सूखने के बाद जब तमर बन जाता है वो तो उसके बाद साल भर इंसान रखे रहे और इस्तेमाल करता रहे और हमेशा उसके लिए, उसके लिए गदा का काम करता है इसी तरह से खजूर का पत्ता वो भी इस्तेमाल में आता है उसका जो तना होता है उससे इंसान सुतून बना लेता है और उसके जो पत्ते होते हैं वो इंसान रहने के लिए उससे छत और छपर बना लिया करता है और इसी तरह से जो उसके खजूर की गुठलियाँ होती हैं वह इंसान के जानवरों इंसान के घोड़ों के चारे के काम आया करती हैं तो खजूर का दरख्त फरमाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर का हर हर हिस्सा जिस तरह इंसान के लिए नफा बख्श होता है ऐसे मोमिन सरापा इंसानियत के लिए फ़ायदेमंद होता है मोमिन का हर अमल इंसान के लिए मुफीद होता है नफा बख्श होता है और एक मोमिन से हर इंसान को फ़ायदा पहुंचता है मोमिन के हाथ से लोगों को फ़ायदा पहुंचता है मोमिन की ज़बान से लोगों को फ़ायदा पहुंचता है मोमिन के आदा जमाने से लोगों को फ़ायदा पहुंचाता है एक मोमिन किसी के लिए नुकसान का सबब नहीं बनता है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाल देकर के यहाँ समझाया है एक मोमिन को किस तरह से होना चाहिए मोमिन को कौन से आमाल करना चाहिए तो बताया नबी वसल्लम ने कि एक मोमिन को हमेशा बाबरकत होना चाहिए खैर का सबब होना चाहिए दूसरों को दूसरे लोगों को एक मोमिन से हमेशा खैर और भलाई पहुंचनी चाहिए इसी तरह से मोमिन को हमेशा लोगों के लिए खैर का बायस होना चाहिए मोमिन को सूदमंद होना चाहिए कभी भी एक मोमिन को लोगों के लिए मुश्किल और मशक्क़त और परेशानी का सबब नहीं होना चाहिए तो फरमा नबी अलैहि वसल्लम ने कि एक मोमिन की मिसाल एक खजूर के दरख्त की तरह से या फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि दरख्तों में से एक दरख्त ऐसा है जिसका पत्ता नहीं गिरता है और वो मोमिन की मिसाल है आप लोग बताइए कि वो दरख्त कौन सा है अब जब कोई पहली पूछी जाती है तो इंसान का ध्यान अलग अलग समत में जाता है किसी का जहन कहीं जाता किसी का जहन कहीं जाता है और आम तौर से वो होता है कि आदमी सोचता है जब पहले कोई पूछी जा रही है तो कोई दूर की चीज़ होगी हमारी समझ में ना आए लिहाजा दूर के जो दरख्त थे बादिया के सहरा के लोगों का ध्यान उधर गया लेकिन सहाबी रसूल अब्दुल्लाह अब्दुल्लाबन अमर रद्ल तू जिस हदीस की रिवायत करने वाले हैं कह रहे मेरे जहन में आया कि ये दरख्त खजूर ही का दरख्त है कोई और दरख्त ये नहीं हो सकता है और मैंने सोचा ला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मैं बयान कर दूँ अल्लाह के रसूल ये खजूर का दरख्त है कह लेकिन मैं देखा मैंने अपने दाएँ बाएँ तो देखा यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं वो सब मुझसे बड़े हैं और सबसे छोटा इस मजलिस में मैं हूँ दस लोग मजलिस में मौजूद थे और उन दसों में सबसे छोटा मैं मैं था उस मजलिस में अबू बकर भी मौजूद थे उमर भी मौजूद थे रद्हुमा दीगर और साहब क्राम मौजूद थे अब मैंने सोचा कि अगर इन बड़े लोगों के दरम्या मैंने बता दिया तो इन बड़ों की बुज़ुर्गों की दिल शिकनी होगी वो सोचेंगे देखो हम जवाब नहीं दे सके और इस बच्चे ने जवाब दे दिया तो मैंने नहीं बताया बाद में जब मजलिस ख़त्म हो गई और वापस गए तो मैंने अपने वालिद साहब से कहा कि अबू जान मैं समझ गया था खजूर का दरख्त है और मैं कहने वाला था लेकिन मैं नहीं बताया तो उस मौके से अमरदू ने कहा था अगर तुमने मजलिस रसूल में बता दिया होता तो मेरे लिए ये इससे और इससे कहीं ज़्यादा बेहतर होता यानी सुर्ख ऊँटों से भी ज़्यादा बेहतर होता अगर तुमने जवाब दे दे दिया होता तो ये होता कि उमर के बेटे अब्दुल्लाह अब्दुल्लाबन अमर रद्ल तुमा ने नबी अलैहि वसल्लम के सवाल का जवाब दिया तो जब साहब कराम ने जवाब नहीं दिया और किसी का जवाब सही नहीं हुआ तो लोगों ने कहा अल्लाह के रसूल वसल्लम अब आप ही बताएँ कि आखिर वो दरख्त कौन सा है फरमाया नबी सल्ला व्ल् ने यह नखला ये खजूर का दरख्त है अब इमाम बुखारी रमोल ने यह जो हदीफ पेश की है इससे जहाँ ये मफूम निकलता है कि एक मोमिन को किस तरह होना चाहिए एक मोमिन को इंसानी माशरे के अंदर किस तरह से मुदाहरा करना चाहिए एक मोमिन के बारे में लोगों की राय क्या होनी चाहिए जहाँ इमाम बखारी रमोल्ला ने यह पेश करना चाहें वहीं इमाम बखारी रहमोल्लान सदीस को किताबल में पेश किया है किताबुल सदीस को पेश किया है और किताबल सदीस को पेश करने का एक ख़ास मकसद है जिसके तहत इमाम ख़ैर हमल्ला ने पेश किया है ताकि बताया जा सके कि तालीम के तुम के आदाब क्या हुआ करते हैं और एक माल्म को कैस कैसा होना चाहिए एक मतलब को कैसा होना चाहिए इस तालुक से गुफ्तु अगले दरस में बयान की जाएगी फ़िलहाल ये दर्स यहीं पर ख़त्म किया जाता है असलकुम वरहि वबरकू ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें